हाय, मैं हूं सुधांशु पांडे एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड स्पाई। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। मैं हूं निशा और आज जो हमारे साथ है उन्हें इंट्रोडक्शन की कोई नीड नहीं है। जी हां, मैं बात कर रही हूं सुधांशु पांडे यानी कि आपके प्यारे वनराज। तो स्वागत करते हैं आपको बॉलीवुड स्पाई। सर, सबसे पहले तो आप बताइए कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूं। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। प्लेजर है सर हमारा। तो सर, आपने जो कैरेक्टर प्ले किया वनराज अनुपमा में, बहुत प्यार मिला लेकिन मिक्स मैच जो रिएक्शन थे ना ऑडियंस के, प्यार के साथ हेट्रेड भी था। तो कैसा एक्सपीरियंस था और क्या कहेंगे उसके बारे में? नहीं, वो एक्चुअली क्या है, जो हेट्रेड भी है वो भी एक ऑडियंस का प्यार ही है। क्योंकि अगर जो कैरेक्टर मेरा था थोड़ा सा ग्रे कैरेक्टर था, थोड़ा सा उसमें हल्का सा ग्रे शेड आता था, तो उसकी वजह से जो भी हेट्रेड आती थी वो भी एक प्यार का ही रूप है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता कि लोग नाराज नहीं होते या जो कैरेक्टर कर रहा है उससे नाराजगी नहीं होती, तो मुझे लगता है कि फिर मुझे चिंता होती कि यार शायद मैं अपना काम कैसे नहीं कर रहा हूँ। और यही वजह है कि आज जब मैं उस शो का हिस्सा नहीं हूँ तो हजारों की तादाद में लोगों के मुझे मैसेजेस आए हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं सब लोग कि आप प्लीज़ वापस आ जाइए। बट अनफॉर्चुनेटली शो का हिस्सा नहीं हूँ मैं, तो आगे भी जो मैं किरदार करता रहूँगा यही लोगों का प्यार है जिसके लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, कोई भी कलाकार मेहनत करता है, और आगे भी इसी तरह से प्यार मिलता रहेगा मेरी उम्मीद। सर, जैसे आपने अपने एग्जिट का वीडियो डाला अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, तो ऑडियंस के अलग अलग रिस्पॉन्सेज आए, तो कुछ कमेंट थे उन्हीं वीडियो के नीचे जो मैं लिख के लाई हूँ आपके लिए, आपको बस एक एक करके उनके जवाब देने। तो पहला जो है वो, सर अच्छा हुआ आपने शो छोड़ दिया, अनुपमा की स्टोरी बोरिंग हो रही थी। अब देखिए, हर तरह ऑडियंस क्या होता है, ऑडियंस बहुत डिसर्निंग होती है, उन लोगों को कंटिन्यूस एंटरटेनमेंट की जरूरत होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों के लिए शो के ट्रैक्स जो होते हैं वो थोड़े से बोर हो जाते हैं, फिर अगले हफ्ते उनको अच्छा लगता है, फिर उसके अगले हफ्ते थोड़ा सा बोर हो जाएंगे, फिर बोलेंगे नहीं अब अच्छा चल रहा है। तो वो डेली शो का वो एक नेचर होता है कि आप जब इतने साल तक एक शो चलाते हैं और उसमें आप अलग अलग ट्रैक्स दिखाते हैं, तो कई बार कुछ ट्रैक्स अच्छे चलते हैं, कुछ नहीं चलते। बट मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल जो है ऑडियंस को हमारा शो बहुत अच्छा लगता था, बहुत प्यार हमारे शो को मिला है 4 साल से, इसीलिए शायद वो नंबर 1 पे बना हुआ। दूसरा कमेंट ये है कि सडन एग्जिट, मुझे लगता है बिग बॉस में जाने के लिए स्टंट है ये। और ये खबर बिल्कुल ही गलत थी क्योंकि बिग बॉस से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, और मेरे जैसे एक्टर को आई डोंट थिंक आई कैन सी माई सेल्फ, मैंने कभी भी अपने आप को बिग बॉस जैसे स्पेस में देखा ही नहीं, क्योंकि वो एक अलग स्पेस है और वो शायद किसी न्यू कमर के लिए या जो इस इंडस्ट्री के नहीं है उन लोगों के लिए ठीक है, बट फॉर समबडी एज सीनियर एज आई एम, आई डोंट थिंक वो जगह बनती है, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट टू बिल्ड योर गुडविल एंड रिस्पेक्ट, एंड वहाँ पे वो थोड़ा सा उस शो का नेचर अलग है, उसमें लड़ाइयाँ और उसमें उस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं, तो आई डोंट बिलोंग टू दैट स्पेस। अब ये वाला जो कमेंट है वो थोड़ा फनी है कि वेरी गुड सर, एनीवेज सीरियल इज गोइंग एनी नाउवेयर, प्लीज रिक्वेस्ट रूपाली मैम एंड गौरव सर भी शो को छोड़ दे। मैं उनसे कैसे बोलूं, हर एक्टर की अपनी एक पर्सनल चॉइस होती है कुछ भी करने की, और अगर कोई एक्टर चाहता है कि वो कंटिन्यू करे तो वो करेंगे। मुझे ऐसा लगा था कि मैं एज एन एक्टर एग्जॉस्ट हो गया था उसमें काफी, तो मुझे और भी, अब 4 साल मैंने उस शो को दे दिए थे और अब मुझे लगता है कि वक्त है कि मैं और चीज़ें करूं, नई चीज़ें करूं और एज एन एक्टर थोड़ा सा ग्रो करूं लाइफ, तो मेरे लिए ज़रूरी हो गया था कि मैं अब कुछ नई चीज़ें करूं। एक और फैन ने कमेंट किया है कि शायद सर को स्क्रीन टाइमिंग नहीं मिल रही थी इसलिए वो चले गए शो से। नहीं, ऐसा तो नहीं है, स्क्रीन टाइम तो बहुत मिला था और मैं कंटिन्यूसली शूट कर रहा था, तो ऐसा तो शायद कहना गलत होगा कि स्क्रीन टाइम नहीं था। सर, सोशल मीडिया के जरिए आजकल स्टार ऑडियंस सब अपना व्यूज एंड ओपिनियन शेयर करते हैं, चाहे खुशी हो दुख हो। तो आपके एग्जिट के बाद रूपाली मैम ने एक स्टोरी डाली थी एंड उन्होंने एक स्टोरी पे लिखा था, इफ समवन इज नेस्टी टू यू फर्स्ट ट्राई लव, इफ दैट डजंट वर्क डिस्टेंस। अब इसको भी ऑडियंस आपके एग्जिट से जोड़ रही है, तो क्या कहेंगे आप?
तो ये तो फिर मुझे लगता है कि ये गलत है। कल को अगर कोई कुछ भी अपनी स्टोरी पे डालता है इंस्टाग्राम पे, कोई पर्सनल रीजन की वजह से डालता होगा, तो उस चीज को भी मेरे एग्जिट से जोड़ा जाएगा, तो उसका तो कोई मकसद कोई मतलब भी नहीं रह जाता। क्योंकि मैं भी अपनी स्टोरीज पे कितनी सारी चीजें डालता हूँ, वो हर चीज को मैं अपने एग्जिट से अगर उसको जोड़ने लगूँ, तो वो मुझे लगता है कि वो तो गलत है। फैंस का कहना है कि मैम ने ये स्टोरी आपको इन अ टॉन्ट वे में बोल के नहीं नहीं ऐसा डाली बिल्कुल भी नहीं है। वो तो मेरे दोस्त है, और हमारे इंस्टाग्राम पे अभी कल भी बातचीत हो रही थी, है। और वो अपना दुख व्यक्त कर रही थी अभी भी कि अरे मुझे बहुत याद आ रही है। तो आई थिंक ये कहना तो गलत है, ये इसमें कोई सच्चाई एक और र्यूमर्स है कि राजन शाही सर को टैंट्रम्स पसंद नहीं है, पर ये रिश्ता के शो पे हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ टैंट्रम्स की वजह से शो के लेट्स को बाहर जाना पड़ा था। तो ऑडियंस का ये भी कहना है कि शायद सर ने टैंट्रम्स थ्रो किए इसलिए सर शो नहीं, छोड़ दिए। ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है कि पहली बात तो टेंट्रम्स वाला जो स्पेस है उसमें तो मैं बिलोंग करता नहीं हूँ, बिकॉज मेरी जो आई हैव बीन वर्किंग फॉर 30 इयर्स इन द इंडस्ट्री, और मुझे लगता नहीं है कि मैं उस स्पेस में हूँ कि मुझे टेंट्रम्स थ्रो करने की जरूरत है, बिकॉज मुझे ऑलरेडी सब कुछ मिलता ही है सब जगह से, तो मुझे टेंट्रम्स थ्रो करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, राजन मेरे लिए प्रोड्यूसर नहीं, मेरे लिए मेरा दोस्त है, भाई है, 25 साल पुरानी हमारी दोस्ती है। और जब वो डायरेक्टर बन रहा था तब तो प्रोड्यूसर तो बहुत बाद में बना था, बट जब वो डायरेक्टर बन रहा था तब से हम लोग ने साथ में काम किया हुआ है, तो ऐसा इस चीज़ में कोई भी सच्चाई नहीं। आपका कैरेक्टर जो वनराज था वो मोस्टली नेगेटिव लाइट में दिखाया गया है, तो आपको लगता है कि शो के नैरेटिव ने कहीं ना कहीं आपको अनफेयरली टाइपकास्ट करने की कोशिश की है और आपको उसका डिससेटिस्फेक्शन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जो मेरे जो ग्रे शेड्स थे, आई वोंट से नेगेटिव, बट ग्रे शेड था, और वो ग्रे शेड ही कैरेक्टर की जान थी, बिकॉज उसी की वजह से शायद वो कैरेक्टर बन पाया, और मैं उस कैरेक्टर को उस लेवल पे इसी वजह से ले जा पाया, क्योंकि उसमें मुझे एक इतना वाइड वैरायटी ऑफ इमोशंस के साथ प्ले करने का मौका मिला, कि मैंने उस कैरेक्टर को इस तरह से प्ले किया, और लोगों के उस तरह के रिएक्शंस आए। उसके पीछे वजह यही थी कि उसके पास पूरा एक खुला मैदान था एक अनप्रडिक्टेबल कैरेक्टर बनने का, और ऐसा कि कब ऑडियंस सरप्राइज हो जाए वो उनको पता नहीं रहता। सर आपका जो कैरेक्टर है वनराज, फैंस का ये भी मानना है कि उसका आर्क कंप्लीट नहीं हुआ था, राइटर्स ने शायद जस्टिस नहीं किया है या और पोटेंशियल एक्सप्लोर ये करना सब चीजें चाहिए। गलत है, क्योंकि राइटर्स ने 4 साल में इतना कुछ दिया है वनराज के कैरेक्टर को, इतना कुछ लिख के दिया उन्होंने, जिसको मैंने अपने हिसाब से एग्जीक्यूट किया, और उसमें और कलर्स और शेड्स अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू ऐड करके इतना कुछ दिया है, तो मुझे लगता है ये कहना गलत होगा कि आर्क कंप्लीट नहीं हुआ। और आर्क तो मेरे ख्याल से कंप्लीट एक बार नहीं, कई करीब 3-4 बार वो आर्क कंप्लीट कर चुका हूँ, जिसमें हर शेड को मैंने पोर्ट्रेट किया है, चाहे वो मेरे माँ बाप के लिए अपना डेडिकेशन हो, या बच्चों के लिए डेडिकेशन हो, या उसके माँ बाप के प्रति रिस्पेक्ट, और किस तरह से वो अपने माँ बाप के बिना जी नहीं सकता वो दिखाया, और किस तरह से वो अपनी फैमिली के लिए ही जी रहा था वो भी दिखाया। तो मुझे लगता है बहुत वाइड वैरायटी वनराज के कैरेक्टर में थी, और उसको बहुत ब्यूटीफुली हमने पोर्ट्रेट किया। आपका एग्जिट का टाइमिंग और शो का व्यूअरशिप जो है वो हाई पॉइंट पे था सर, यू नो, तो ऑडियंस का ये मानना है कि कहीं ना कहीं आपका एग्जिट जो है हाँ, वो शो पे नेगेटिव इंपैक्ट देगा। आई डोंट थिंक सो, ऐसा होना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, बिकॉज मेरा जो पर्सनल रीजन था कि कोई भी चीज़ हो जब हाई पॉइंट पे हो तो वो सही वक्त होता है कि आप अपने अच्छे काम के साथ एग्जिट करें, बजाय इसके कि वो इतना डिक्लाइन हो जाए कि लोगों को बिल्कुल पसंद आना बंद हो जाए, या लोग बोर होना शुरू हो जाए तब आप छोड़ेंगे, तो वो मेरे ख्याल से गलत टाइमिंग होती है। बट ऐसे टाइम पे आप अगर अपने काम को छोड़ के जाते हैं जहाँ लोग ऑलरेडी वो पीक कर चुका हो और लोग पसंद आ रहा हो, वो समय अच्छा है। सर हाल ही में एक न्यूज आ रही है कि आप एक शो कर रहे हैं जो अमेजोन प्राइम पे आने वाली है, जिसके होस्ट करण जौहर है और शो का नाम है द ट्रेटर्स, जी, जिसमें आप एज अ कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो ये इस खबर इस में चीज के बारे कितनी में अब देखिए, ये खबर जो है, ये खबर कहाँ से छपी है, कैसे छपी है, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने इसके बारे में कोई बात नहीं की, और अगर बात नहीं की तो मैं अब भी नहीं कर सकता हूँ। एक तो
उसके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं। लेकिन हाँ, अगर ऐसा कुछ होगा नियर फ्यूचर में और कुछ अच्छी चीज होती है तो मैं डेफिनेटली बात करूंगा, बिकॉज वो बात करने लायक है। सर, जब आपने एग्जिट किया तो आपने इंटरव्यूज दिए थे जहाँ पे आपने कहा कि मैंने किसी भी वजह से ये शो नहीं छोड़ा, मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे छोड़ना है, इसलिए मैंने छोड़ दिया वो शो। बट तो फिर जब आपने ये सेट पे बात बताई, डिस्कशन वगैरह हुए, तो उनके क्या रिएक्शन थे? इवन राजन सर, इमोशनली अटैच्ड हम लोग सब इतने थे कि जब मैं वहां से निकल रहा था सेट से, तो कुछ लोग मुझसे गले लग के रोए भी, बोले नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए ये। बट मुझे लगता है कि वो एक इमोशनल अटैचमेंट हम सबका होता ही है, एक जगह पे आप 4 साल से काम कर रहे हैं तो थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट होता ही है। बट इट्स ऑल गुड, क्योंकि एवरी गुड थिंग कम्स टू एन एंड ऑल्सो। और मुझे लगता है ये समय था, और जब किसी चीज़ का वक्त होता है तो चाहे वो शुरू होने का हो या ख़त्म होने का, उसका वक्त होता ही है। तो वो समय जब ख़त्म हो जाता है तो मुझे लगता है कि फिर ख़त्म हो जाता है, फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मेरी उंगली पकड़ के चलाते हैं, तो जब उन्होंने संकेत मुझे दिया कि अब समय खत्म हो गया तो मैं आगे बढ़ी। ओके, ये भी खबर आई कि आपने रूपाली मैम और राजन सर को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया। आपको ये खबर जो है, ये जो रूमर्स फैलते हैं ये रूमर्स ही हैं, क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम पब्लिक प्लेटफॉर्म है, कोई भी चेक कर सकता है कि मैं फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं। मैंने तो कोई ऐसी चीज़ की नहीं। ये भी खबर पता नहीं कहाँ से फैल गई, बिकॉज मैं दोनों को ही फॉलो कर रहा हूँ और मेरे इंस्टाग्राम पे कोई भी चेक कर सकता है। और मेरी इनफैक्ट रूपाली से कल इंस्टाग्राम पे ये बातचीत हो रही थी। तो ये खबरें कहाँ से फैलती हैं, क्यों फैलती हैं, मुझे पता नहीं, बट देयर इज नो ट्रूथ। अनुपमा में आपको बहुत प्यार मिला है, आपने शो छोड़ा, फिर भी ऑडियंस अभी भी उस चीज को बिलीव नहीं कर रही है, तो अब छोड़ने के बाद जब आपने डिसीजन ले लिया तो सबसे ज्यादा आप क्या मिस करने वाले हैं? Well, I miss being a part of that whole atmosphere. और हम लोग का जो रोज़ का वहाँ पे मिलना होता था, हम लोग बैठते थे, बहुत बढ़िया टाइम पास होता था हम लोग का, बिकॉज हम लोग का हंसी मजाक इतना होता था, खाना पीना साथ में बैठ के और बातचीत करना। मैं दूसरे लोगों के मुँह से जब उनके अपनी अपनी गॉसिप सुनता था तो मज़ा आता था, हम लोग बहुत मज़े करते थे बेसिकली। So that atmosphere is something obviously we will miss a lot. Sir, आप ओजी वनराज हैं, बट आपको रिप्लेस करने के लिए कोई तो आने वाले हैं, जिनकी खबरें हमने सुनी हैं। तो आपको लगता है कि जो कैरेक्टर रिप्लेस करके आता है जो एक्टर, उसके लिए डिफिकल्ट होता है परफॉर्म करना एक कैरेक्टर को? नहीं, मुझे लगता है कि प्रेशर रहता है उनके ऊपर, प्रेशर थोड़ा बहुत शायद रहे, क्योंकि ऑब्वियसली इतने साल से एक कैरेक्टर इतना एस्टैब्लिश कैरेक्टर है और लोगों को इतना इमोशनल अटैचमेंट है उस कैरेक्टर से, तो एक चैलेंज होगा ही डेफिनेटली नए एक्टर के लिए। बट आई एम श्योर वो लोग एक अच्छा कलाकार लेके आएंगे, और अगर वो शिद्दत से मेहनत से काम करेगा तो सूनर और लेटर उसको भी लोग एक्सेप्ट कर ही लेंगे। आप सर फ्यूचर में किस तरीके का रोल प्ले करने का सोच रहे हैं? बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो मैं प्ले करना चाहता हूँ, और कलाकार हूँ तो आगे भी मेरा तो काम ही यही है, मैं ऑब्सेसिव हूँ अपने काम के लिए, तो आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ अच्छा मैं करता रहूँगा, किरदार भी अच्छे प्ले करता रहूँगा। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। ऑडियंस को क्या बोलेंगे? आप लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया पिछले 4 साल में, और मैं चाहूंगा कि आपका ये प्यार बना रहे, एंड मेरी तरफ से मैं ये कोशिश करूंगा और ये प्रॉमिस है मेरा कि मैं और अच्छे से अच्छे किरदार प्ले करता रहूंगा और आप लोगों तक एंटरटेनमेंट पहुंचाता रहूंगा, और आप लोगों का प्यार मुझे बस मिलता रहे और कुछ नहीं चाहिए। हर कलाकार को सिर्फ ऑडियंस का प्यार चाहिए, और शायद हर कलाकार इसी प्यार के लिए जीता है। ओके सर, लास्टली यही पूछूंगी कि फ्यूचर में ऑडियंस आपको कहाँ, किस प्रोजेक्ट में, कौन से प्रोजेक्ट में देखने? अभी फिलहाल तो डेफिनेटली जो मेरे बैंड के साथ मेरा यूनियन हुआ है फिर से, बैंड ऑफ बॉयज के साथ हमने अभी अपना एल्बम एक रिलीज किया है जो ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे है, इट्स डूइंग वेरी वेल, और उसके साथ ही हमारा पहला म्यूजिक वीडियो भी रिलीज हुआ है, विच इज़ अगेन वेरी गुड, डूइंग वेरी वेल। गाने का नाम है गोरी अगेन, आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखिए वो वीडियो, और अभी एक के बाद एक दो वीडियोज और आने वाले हैं, विच इज़ गोइंग टू बी अ ट्रीट टू वॉच, तो प्लीज़ डू वॉच इट एंड सेंड ऑल योर लव टूवर्ड्स मी। Thank you so much, sir, and all the best. Thank you. Thank you, sir.